हाय दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर आप लोग के लिए एक नया वीज़ा नई कंट्री के साथ लेके आया है। ये वीज़े के बारे में जानने के लिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोग को फुल डिटेल पता नहीं चलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई। चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये वीज़े के बारे में बात कर लेते हैं। वीज़ा कहाँ का, क्या डिटेल है, क्या डिमांड है, पूरा जो है इसका डिटेल ये वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर कुवैत सीवी सिलेक्शन। फोनिक्स कंपनी कुवैत, फोनिक्स कंपनी है कुवैत की में डिलीवरी की, तो उसी की जॉब है ये। बाइक डिलीवरी बॉय का काम है, कार डिलीवरी का नहीं है, ओनली बाइक राइडर का काम है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो क्वांटिटी बहुत दिया है, बाइक राइडर जो है 100-150 चाहिए इसमें। सैलरी जो है इसकी 100 KD सैलरी प्लस 20 KD खाने का आप लोग को मिलेगा। कुवैत ड्राइविंग लाइसेंस जब तक नहीं बनता तब तक कंपनी खाना देगी। बाइक सुविधा कुवैत के लिए अनुसार ऑफर लेटर एक सप्ताह में। इंडियन बाइक ड्राइवर कार्ड लाइसेंस की आवश्यकता है, तो इसमें जो है आप लोग को इंडिया का लाइसेंस, चीप लाइसेंस जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें जो भाई एक कंडीशन है, बाइक राइडर में आप कहीं भी जाएंगे, दुबई, कुवैत, कतर, कहीं भी जाएं, इतना आप लोग अपने माइंड में सेट करके जाइए कि जाएंगे जहाँ पर तो वहाँ पर कंपनी आप लोग को खाना और रहना देगी। जब तक लाइसेंस आप लोग को नहीं बनता, सैलरी नहीं मिलेगी आप लोग को। सैलरी मिलेगी जब आप लोग बाइक पर चढ़ जाएंगे, तभी आप लोग को सैलरी मिलेगी। क्योंकि जो भी बंदा जाए ये चीज़ उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे बहुत से बंदे पूछ रहे थे भाई सैलरी सैलरी। भाई बाइक राइडर में आप लोग पता कर सकते हैं, कोई भी कंपनी दुबई, कतर, कहीं भी, जब तक लाइसेंस नहीं बनता तब तक कंपनी जो है खाना रहना देती है। उसके बाद जो है लाइसेंस बनने के बाद ही सैलरी मिलती है। और दुबई का सिस्टम थोड़ा अलग है, दुबई में जो है जब तक लाइसेंस बनेगा तब तक रहना खाना देगी। लाइसेंस बनने के बाद पूरा आप लोग का रहेगा, वहाँ पर खाना रहना सब आपका एकोमोडेशन। बस कंपनी जो आप लोग को पर डिलीवरी पे करेगी, वहाँ का सिस्टम अलग है। जो है रहना रहना होना देती है कंपनी, बाकी जो है खाना वाना का आपको अपना उसमें दे रही है। 100 KD 120 KD में खाना है आपका, 120 KD सैलरी। क्योंकि मेरे पास बाइक राइडर का भी काम है, एक और है अलमुताबा कंपनी का है वो, तो उसमें क्या है, उसमें 110 KD सैलरी है, 20 KD खाने का, मगर उसका सर्विस चार्ज जो है 1,10,000 है। तो उसमें बंदे बोलते हैं बहुत सर्विस चार्ज ज़्यादा, तो भाई सैलरी भी तो 10 KD ज़्यादा है उसमें। इसमें जो है 100 KD सैलरी प्लस 20 KD खाने का, तो इसका जो चार्ज है 95,000 है, 95,000 इसका सर्विस चार्ज है। तो कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है भाई, आप लोग पता कर लीजिए कहीं भी ऑफिस में बाइक राइडर का चार्ज कितना चल रहा है, आप लोग को पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी जो जो एक से एक ऑफिस से दिल्ली उल्ली में एक 1,30,000, 1,25,000 लोग मांग रहे हैं भाई। मैं खुद काम करता हूँ ना चंडीगढ़ के ऑफिस से, 1,20,000-40,000 लोग मांगते हैं। ये तो बॉम्बे के ऑफिस से काम आ रहा है तो सस्ता आ रहा है थोड़ा। और मेरे पास एक और बाइक राइडर का काम है, ऑलरेडी मैं वीडियो मरा चुका हूँ, उसका 110 KD सैलरी प्लस 20 KD खाने का है, उसका 1,10,000 सर्विस चार्ज है। मगर इसका जो है 100 KD सैलरी 20 KD खाने का, इसका 95 है। तो दोनों में डिफरेंट है भाई सैलरी का। तो आप लोग जिसमें जाना चाहें जा सकते हैं। कंपनी जो है ये फोनिक्स कंपनी है, वो अलमुतामा कंपनी है। तो ये इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, इसमें जो जाना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है भाई, उसका काम करवा दूंगा। मगर सैलरी पर मत देखिए आप लोग, वहाँ पर कमा रहे बंदे भाई 40,000-50,000 तक कमा रहे बंदे आराम से, इजिली। बंदे सोचते हैं सैलरी कम है, वहाँ जाने के बाद भाई रास्ता बन जाता है। जहाँ जाते हैं डिलीवर करने, अगर 5 दिनार का, अगर 4 दिनार 95 ऐसे कुछ करके रहता है अगर, तो उसमें जो छुट्टा ले नहीं लेते हम लोग। कुवैती लोग जो 5 दिनार दे देंगे तो उसमें से रिटर्न वापस नहीं लेते हम लोग, फिर वो जो पैसा होता है जो डिलीवर बॉय होता है उसी का हो जाता है। तो ऐसे दिन भर में बंदा बहुत कमा लेता है। एक जगह 100, अगर इंडिया का 100 भी मिले, 100 रुपया भी कमाया, 10 जगह डिलीवर किया तो 1,000 रुपया उसका हो गया। तो ऐसे करके मिलता रहता, 400-500-600 इंडिया का लोग रोज कमाते हैं वहाँ भाई। आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो भी है उसका, ठीक है। तो इसमें कमाई अच्छी है, बाइक चलाना आना चाहिए, GPS का नॉलेज होना चाहिए, बंदा थोड़ा तेज होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, उसके लिए अच्छा चांस है। कुवैत जाए, अच्छा आराम से पैसा कमाए और 50,000-60,000 तक महीना की। अभी हेल्पर सेल्पर में 50,000 कमाना नामुमकिन है, कोई भी हेल्पर की जॉब में जाएंगे 1,000-1,200 यही सैलरी मिल रही है। यही एक जो है बाइक राइडर का काम है, इसी में जो बंदा पैसा कमा सकता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो से। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए, ओके बाय।